रितेश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रितेश, माफियों के हौसले देखिए किस तरीके से बुलंद हैं कि अधिकारी कोई पीट देते हैं। ये घटना बेहद निंदनीय है और प्रशासन इतना कमजोर क्यों पड़ता जा रहा है? रितेश, बिल्कुल यही सवाल तो उठता है कि प्रशासन को जब सारे संसाधन मौजूद हैं, खुली छूट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से मिली हुई है, और तब अगर सरकार के जो कर्मचारी हैं उनकी पिटाई हो जा रही है, पुलिस की पिटाई हो जा रही है, तो जाहिर सी बात है कि एक बार फिर से लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि ये कोई पहली घटना नहीं है लक्ष्मी जो बिहटा में हुई है। आप देखिए कि महागठबंधन की सरकार जब अगस्त में बनी और हाई लेवल मीटिंग यहाँ पटना में हो रही थी और बिहटा में हजारों राउंड फायरिंग की गई थी, अमनाबाद में बालू माफियाओं की तरफ से 3-4 लोगों की वहाँ पर हत्या भी हो गई थी। आज देखिए कि महज अगर बात करें पटना मुख्यालय से या पुलिस मुख्यालय से, तो इस इलाके की दूरी महज 18 से 20 किलोमीटर की है, और वहाँ पर देखिए कि खनन माफिया जो हैं वो इतने बेखौफ हैं कि ना सिर्फ खनन पदाधिकारियों की उन्होंने पिटाई की, ये भी उन्होंने लिहाज नहीं किया कि एक महिला पदाधिकारी है, उनकी एक गरिमा होती है, महिला पदाधिकारी की भी बेरहमी से घसीट घसीट कर बाल खींच कर उनकी पिटाई की गई। जाहिर सी बात है कि जो बालू माफिया है सवाल बस इतने में खत्म नहीं होता है, क्योंकि देखिए महिला इंस्पेक्ट उनके साथ जितने भी अधिकारी थे वो भाग खड़े हुए और वहां बच गई महिला इंस्पेक्टर, जो हाथ में आया उनको पीट दिया, पत्थरबाजी की गई, और देखिए कितने गंदे तरीके से एक महिला इंस्पेक्टर के साथ ये बदसलूकी की गई है। बाकी इंस्पेक्टर वहां पे बाकी जो अधिकारी थे वो छोड़कर भाग जाते हैं, क्या ये उनपे शोभा देता है? देखिए लक्ष्मी, ग्राउंड जीरो की हकीकत आपको समझनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पर माहौल ऐसा होता है कि कोई कितना भी रसूखदार हो, कितना भी बड़ा अधिकारी हो, बालू माफिया उसकी जान लेने से पीछे नहीं हटेंगे। उन्हें नहीं पता है कि आप क्या हैं और आपकी हत्या अगर कर दी जाएगी तो इससे क्या हो सकता है। उन्हें सिर्फ बालू से अवैध कमाई करनी है, लिहाजा जो भी लोग वहां जाते हैं वो जान बचाकर भाग जाते हैं। सबसे बड़ी बात है रितेश, ये पहली देखिए रितेश, ये पहली बार तो सही बात है, देखिए ये पहली बार तो हो नहीं रहा, इससे पहले भी बालू माफियाओं ने अधिकारियों पर प्रहार किया है, पत्थरबाजी पहले भी हुई है, पहले भी ऐसा हुआ है कि अधिकारियों को पीटा गया है और अधिकारियों के साथ गलत बदसलूकी भी की गई है। तो जब उनको पता है कि ऐसे जगह जाने पर बदसलूकी की जा सकती है, तो फिर महिला को क्यों लेकर गए, महिला इंस्पेक्टर को? देखिए सबसे बड़ी बात है लक्ष्मी कि अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं या कहीं भी काम कर रही हैं तो वहाँ पर कार्य में कोई महिला कोई पुरुष नहीं, आपकी जिम्मेदारी तय है, आप वहाँ जा सकती हैं और ये डिसाइड ऊपर से होता है। तो इस पर आप सवाल नहीं उठा सकते हैं कि वहाँ पर महिला अधिकारी क्यों गई और पुरुष लेकर क्यों गए, क्योंकि अगर आपको वहाँ पर अधिकारी बनाया गया है तो वहाँ ये नहीं देखा जाएगा कि आप पुरुष हैं या आप महिला हैं, आपकी जिम्मेदारी है, आपकी ड्यूटी है वहाँ पर पहुँचना। सबसे बड़ी बात है कि बार बार इस तरह से हिमाकत हो रही है लक्ष्मी, सुनिएगा, बातों को सुनिएगा थोड़ा, बार बार ये हिमाकत हो रही है और उन पर गंभीर और कड़ी कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही है। यही कारण है कि बार बार बालू माफिया कभी इंस्पेक्टर को कुचलने की कोशिश करते हैं, कभी पुलिस की टीम को बेरहमी से पिटाई करते हैं कि घायल होकर इंस्पेक्टर जो है अस्पताल में पैर हाथ तोड़कर पड़ा रहता है। ये कारण यही है कि बड़े से लेकर छोटे अधिकारियों की भी मिली भगत है, और ऊपर अगर देखें तो राजनीतिक आकाओं का भी इन बालू माफियाओं पर हाथ है। जब तक कड़ी कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, सलाखों के पीछे नहीं जाएंगे, उनकी संपत्ति को जब्त नहीं किया जाएगा, तब तक ऐसी हिमाकत लगातार होती रहेगी और बालू माफिया ये नहीं देखने जाता है कि आप पुलिस अधिकारी हैं, आप जिला प्रशासन के अधिकारी हैं, आप महिला हैं, आप पुरुष हैं, उन्हें सिर्फ बालू में कमाई दिखती है। और जब उनकी कमाई पर कोई धावा बोलता है, जब उनकी कमाई रुकती हुई दिखती है, तो वो इसी तरह की हिमाकत करते हैं। अब ऐसे में ज़रूरत है कि सरकार इस पर ठोस एक्शन ले, सरकार को सोचना होगा कि आखिर क्या कारण है कि बार बार बिहार की जो पुलिस है वो पिट रही है, कभी शराब माफिया पीट दे रहा है, कभी बालू माफिया पीट दे रहा है। तो इसके पीछे कारण यही है कि
पूरा जो सिस्टम है कहीं ना कहीं उसकी मिलीभगत है, स्थानीय स्तर से लेकर बड़े पदाधिकारियों की मिलीभगत है। और जो एक्शन जो पुलिस मुख्यालय को लेना चाहिए कि भाई आपकी पुलिस पिट जा रही है, आप उस पर कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं, आपके खनन पदाधिकारी पिट जा रहे हैं, आप उस पर एक्शन नहीं ले पाते हैं, यही कारण है कि बार बार इनकी हिमाकत बढ़ती है, इनका मनोबल बढ़ता है। आप देखिए कि कुछ जैसे ही ये सरकार बनी, कुछ दिन पहले एक स्थानीय विधायक हैं, उनके रिश्तेदार पर यह आरोप लगा कि उन्होंने खनन जो अधिकारी हैं जान से मारने की धमकी दी। तो अगर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो अब भी समय है सरकार को इस पर गंभीर एक्शन लेने की ज़रूरत है। और देखिए कि डीजीपी आरएस भट्टी बड़े ही जोर शोर से बिहार की कमान उन्होंने संभाली और बड़ी उम्मीद आम लोगों में जगी कि डीजीपी के तौर पर आरएस भट्टी ने कमान संभाली है, बड़ी अच्छी उनकी पुलिस रिकॉर्ड रही है। लेकिन उन्होंने कहा था कि अपराधियों को दौड़ाओ, लेकिन हो रहा है साफ उल्टा, अपराधी जो है वो पुलिस को दौड़ा रहे हैं। तो अब गंभीर इस पर एक्शन लेने की ज़रूरत है ताकि इस तरह की हिमाकत, इस तरह की हिम्मत आने वाले समय में कोई भी बालू माफिया ना कर सके। बिल्कुल रितेश, जरूरत है अब कड़ी कार्रवाई की। बहुत शुक्रिया रितेश तमाम जानकारियों के लिए।